हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाएंगे। गुड इवनिंग, वेलकम टू केडी लाइव। जल्दी से आ जाओ भाई। सभी बच्चों का केडी लाइव पे स्वागत है, ठीक है? वेलकम है। जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी लैंग्वेज में आप लेना चाहे ले सकते हैं। जल्दी से आ जाइए भाई। उसके बाद शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास। साइंस की तीसरी क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रैक्टिस सेट बच्चों रोज यहाँ पे कर रहे हैं। और देखो, हम कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ काम नहीं होने वाला है, ठीक है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी बच्चे साइंस से रहे होंगे, हमें पूरा थ्योरी पढ़ाया जाता था, लेकिन जब तक हम लैब में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे तब तक ऐसा लगता था कि कुछ सब कुछ हवा हवा है, ठीक है? तो हर चीज में बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप कार सीखते हैं, आप ड्राइव करना सीखते हैं, आप साइकिल चलाना भी सीखते हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई में जो सबसे ज्यादा टाइम के साथ आप अपने क्वेश्चंस सोल्व कर पाए, तो उसमें प्रैक्टिस ही है। इसलिए मैं रोज आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। रोज मेरी क्लास है, ऐप पर भी बहुत सारी क्लास है। अभी 4 से 5 भी क्लास लेके ही मैं आई हूँ तुरंत 5 बजे, लेकिन तब भी जो है मैं आ रही हूँ, बस क्योंकि आपके एग्जाम्स है, आप अपना काम अच्छे से करो। चलिए, तो जल्दी से टाइम, हम वैसे भी बहुत लेट है, लेकिन फिर भी हम क्लास शुरू करना चाहेंगे। गुड इवनिंग। तो 1 से 2 मिनट मैं आपको दूंगी लाइक और शेयर करने के लिए। लाइक कर देंगे भाई, जितने भी आते जाएंगे सभी बच्चे लाइक करेंगे। मैम आप साइंस की बुक लिख दो, ठीक है भाई? विजेंद्र लिख देंगे, जरूर है। मैंने भी कुछ ऐसा सोचा है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दो, अभी मेरी भी कुछ स्टडी चल रही है, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर बुक पे काम शुरू करेंगे। चलिए मैम, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हैप्पी बर्थडे। अरे भाई, बहुत पहले चला गया बर्थडे, ठीक है? अब तो कुछ हो रही है आज। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, अमित आज कोई बर्थडे बर्थडे नहीं है भाई? पूरे महीने ही मनाओगे क्या तुम मिस? चलो, गुड इवनिंग नीति, कैसी हैं आप? कैसी हैं? गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। राम राम भाई, राम राम। के ज्ञान से बता दीजिए। चलिए, तो अब शुरू करते हैं, ठीक है? राम राम, गुड इवनिंग चलती रहेगी अपनी। पहले हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम हम लेट हैं आज। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और भाई आज पीपीटी जो है बिना चेक के सीधी लगा दी है मैंने, एक बार भी इसको मैंने चेक नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं था। मेरी 5 बजे से क्लास थी, 4 के बाद, तो आप देख लेंगे। क्या है सब पूछा जा रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, बट पूछा जा रहा है इनमें से सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? बैक्टीरियम, आपका क्या है मोलस, प्लाज्मा, या आपका यहाँ माइकोप्लाज्मा आएगा, कुछ गलत लिखा, वायरस या ईस्ट। बताइए क्या ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है? आंसर कीजिए जल्दी से। पहले क्वेश्चन का आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें भाई सबसे छोटा जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, ठीक है? वो क्या है? मुझे यहाँ पर ये गलत है, वही तो मैं सोच रही हूँ, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से सबसे छोटी और लिविंग सेल कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा बच्चा बिल्कुल ठीक आंसर देगा? दीपक कह रहे हैं बी, दीपक वर्मा कह रहे हैं बी, अजय कुमार कह रहे हैं बी। चलिए, यादव जी बी, ठीक है। नीलम, नीति गहलोत, चलिए जसवंत, ठीक है। सब बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही आंसर है बी। बी अगर हम बात करें बच्चों, तो बी क्या है? अगर हम बात करें बी क्या है, तो बी एक तरीके का क्या है आपका? बैक्टीरिया है, ठीक है? बी क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु। सबसे छोटी जो कोशिका है वो किसकी है? वो आपके बैक्टीरिया की है। अब अगर हम बात करें मैम वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वाला बैक्टीरिया है, दही वाला बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? बच्चों बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की जो सेल है वो सबसे छोटी है। साइज की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि 150 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर के बीच में आती है, ठीक है भाई? इसका अगर हम साइज की बात करें, ओके, तो ये जो है आपकी सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल है, ये आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा से मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे क्या माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है? बताइए, क्या आपके माइकोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति है? आंसर कीजिए जल्दी से। क्या इसके पास कोशिका भित्ति है? जल्दी से बताइए, क्या आप जल्दी से बताइए, क्या इसके पास कोशिका भित्ति है? कितने बच्चे कहते हैं? कितने बच्चे कहते हैं? जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आगे, बस आपका साथ चाहिए। मैं रोज आऊंगी, बस कंटिन्यू करते जाएंगे, क्लास लेते जाएंगे। नो सेल वॉल, यस, आपको याद रखो बच्चों, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल पाई जाती है, पर वहां पे एक्सेप्शन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये बात लिख लेंगे यहाँ पर नोट डाल के कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग सेल है और इसके पास क्या है? इसके पास आपको याद रखना है सेल वॉल नहीं पाई जाती है। डन, क्लियर बातें? चलिए बहुत अच्छा, ओके लाइक भी करते चलेंगे भाई, प्राणियों लाइक भी करना है। आ जाओ चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ब्रिक का कार्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। आपसे पूछा जा रहा है किडनी का कौन सा काम नहीं है, ठीक है। किडनी की अगर हम बात करें बच्चों, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं और किडनी की जो यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन है, इसी से मिलके आपकी किडनी बनी हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो किडनी है इसका क्या काम है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच, क्या आपके शरीर का पीएच मेंटेन करता है, ठीक है, या आपके बॉडी से रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द योर बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, या आपका रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। बताइए क्या काम नहीं है आपके किडनी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है किडनी का कौन सा काम नहीं है। मैम आप कैसे हैं? मैम बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और आप सब जल्दी से क्लास लाइक शेयर कर दीजिए, मैम और भी अच्छी हो जाएगी। चलिए अब अगर हम बात करें मैम किडनी का क्या काम नहीं है, तो देखो बच्चों यहाँ पे है रेगुलेट द पीएच फंक्शन, बॉडी पीएच, बिल्कुल सही बात है। जो किडनी है वो क्या करती है, वो जो है आपके बॉडी के पीएच को मेंटेन करती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें कोई गलत नहीं कि जो है आपके बॉडी के पीएच को मेंटेन करती है। कहा जा रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, बिल्कुल जो आपका क्या है वेस्ट है, अगर हम कहें कैसा वेस्ट, जो आपका नाइट्रोजीनियस बच्चों वेस्ट है आपका, जो आपका अगर हम बात करें जैसे यूरिया, ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन आप सब जानते हैं कि यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है, यूरिया का फॉर्मेशन बच्चों आपका लीवर करता है। तो इन सबको आपके ब्लड से छानना, ब्लड से जो भी गंदगी है ब्लड में वो सब कौन करता है, किडनी। तो ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, नहीं बच्चों, जो आपका क्या है, जो आपकी किडनी है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, तो ये किडनी का काम नहीं है। आपको याद रखना है कि एंटीबॉडीज नहीं बनाती किडनी। एंटीबॉडीज तो आपके ब्लड में होते हैं, ब्लड सेल्स बनाती हैं, तो एंटीबॉडीज आपकी किडनी नहीं बनाती है, ये आपको याद रखना है। ओके, डन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। देखो एंटीबॉडीज को हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे अगर आपको एग्जाम में एंटीबॉडीज लिखा आ जाए या एंटीबॉडीज की जगह प्रतिरक्षी लिखा आ जाए तो समझ जाना कि एंटीबॉडी का मतलब ही प्रतिरक्षी होता है। तो कहा जा रहा है ये कौन सी सेल्स है ना, कौन सी कोशिका है जो, जैसे मैंने अभी अभी कहा है कि एंटीबॉडीज कोशिकाएं बनाती हैं, सेल्स बनाती हैं, कौन सी सेल्स बनाती हैं, अभी अभी आपकी मैम ने कहा है कि ब्लड सेल्स बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्लड सेल्स हैं, कहीं ना कहीं ये रुधिर कोशिकाएं हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कोशिका है जो एंटीबॉडी बनाएगी। आपसे एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, आपका बेसोफिल्स या लिम्फोसाइट्स। यस, अच्छा क्वेश्चन, आंसर करिए। दिल खुश भी आए हैं, दिल खुश जी बताइए, आंसर करिए, ठीक से आंसर करिए, दिल खुश करिए सबका। चलिए भाई लाइक और शेयर करते चलेंगे सभी। मनीषा किससे गुड इवनिंग कर रहे हो? अच्छा आशु से, चलिए ठीक है। पीयूष डी, पीयूष का आंसर आया है डी। एजुकेशन लबर का आंसर आ गया है यहाँ पे डी। दिलखुश डी बता रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। पहली बात ये सब क्या है, ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स आप सब जानते हैं तीन तरीके की हम पढ़ते हैं, आपकी आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, और अगर हम बात करें प्लेटलेट्स। अब हम बात करें कि मैम ये किसके अंदर आती हैं, तो ये सभी बच्चों इसी डब्ल्यूबीसी के अंदर आती हैं, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स। अब इसमें से अगर हम बात करें कि मैम एंटीबॉडीज कौन बना रही है, बच्चों लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है बच्चों एंटीबॉडीज बना रही है। और बेसिकली बच्चों दो तरीके की आपकी लिम्फोसाइट होती है, टी टाइप, बी टाइप। ये आपकी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कितने टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी का मतलब होता है टारगेट, एक टारगेट पॉइंट पे जाके बच्चों अटैक करती हैं। और बच्चों अगर किसी को एड्स होता है, उसकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक कैसे हो जाती है, किसी को अगर एड्स है तो उसकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक कैसे हो जाती है बच्चों, वहां एक ही रीजन होता है कि जो वहां से एड्स का जो रेट्रोवायरस आता है जो एड्स का रेट्रोवायरस आता है बच्चों, क्या करता है, इसी टी लिम्फोसाइट को मार देता है और पूरे बॉडी पे क्या करता है, अपना राज करता है। ओके, बेसोफिल्स एलर्जी के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपका डी आंसर सही कि लिम्फोसाइट जो है वो क्या बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। और दो तरीके की है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। इसमें से भी मैम कौन सी ज्यादा मेन है, टी लिम्फो वाली ज्यादा मेन है, और जो एड्स के वायरस है वो इसी को मार देते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है। और कोरोना के खिलाफ भी बच्चों हमारी एंटीबॉडीज ही लड़ने में मदद कर रही थी। चलिए, हैजा के कीटाणुओं की खोज किसने की? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका क्या है, कोलेरा है, उस कोलेरा जम्स की खोज किसने की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें तो कोलेरा जो हैजा बच्चों, जब आप पॉल्यूटेड वाटर, दूषित पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं या दूषित हवा है, इन सबसे किसी को अब तो नहीं होता, पहले हैजा बहुत फैला हुआ था, पहले के लोगों को हैजा बहुत नॉर्मल था, सभी को हो जा रहा था। ठीक, तो जो हैजा है अगर हम बात करें कैसे होता है हाँ देखो, एग्जाम से पहले टेंशन होती है, टेंशन हो रही है तो भाई टेंशन सबको होती है, टेंशन नहीं। देखो एक बात याद रखना बच्चों, टेंशन उसी को हो रही है जिसने पढ़ा है। अब जिसने कुछ पढ़ा नहीं उसको क्या टेंशन भाई, तो तुम्हें टेंशन हो रही है इसका मतलब कुछ पढ़ा है, कुछ बुद्धि में गया है, तो उसको आप नेगेटिव में मत लीजिए। और इतना ज्यादा टेंशन नहीं करना है कि जो पढ़ लियो वो भी भूल गए। ठीक है, जितना आ रहा है ठीक है, इतना ही सबने पढ़ा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाइए, जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा सा रिवाइज करें। करंट अफेयर वगैरह वाले जो चीजें हैं, जो आपने वन लाइनर फॉर्म में लिखी हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हो, वही आप रिवाइज करें, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, अब अगर हम बात करें बच्चों किससे होता है, तो आप सब जानते हैं विब्रियो कोलेराई। ठीक है, इस बैक्टीरिया से आपको क्या होता है, हैजा होता है। और इसकी खोज, जैसा कि आप सभी ने क्या आंसर दिया है, इसकी खोज, चलिए अरे भाई रोना नहीं रोग तो एग्जाम कौन देगा, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी 1884 में, शायद ऐसे ही है ना, कुछ एक बार इसका ईयर बताना। ईयर वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर ईयर भी अगर किसी को याद हो तो बता सकता है। 1884 मुझे लग रहा है शायद इसी में की थी, ये आपको याद रखना। ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन जितने बच्चों ने कहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, अभी हेड कांस्टेबल का एग्जाम था, बच्चा पहले बहुत टेंशन ले रहा था और आके उसने बताया कि मैम एस्टिस आपके जो है 4 क्वेश्चंस पढ़ाए हुए उसी लैंग्वेज में आए थे। ठीक, आके उसने साफ साफ बताया है कि मैम 4 क्वेश्चन वही आए थे जो सेम कॉपी में एग्जैक्ट लिखवाए, तो आपको जो पढ़ा है भाई वही आने वाला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ लेगा। ठीक है, कि रॉकेट लॉन्च करके दिखा दो, है ना। आ जाओ, अब पूछा जा रहा है उपवास के समय सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा की जो mg पर डेसीलीटर की सीमा है कितनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें बच्चों, आज से उपवास, देखो आज बहुत लोगों ने उपवास रखा है। ठीक है, किसी ने सामने से रखा होगा, किसी ने पीछे से रखा होगा, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि आपने जब यहाँ फास्ट रखा है, ठीक है, तो जब फास्ट रखा बच्चों तो वहां पर ब्लड शुगर की जो मात्रा है आपके ब्लड में mg पर डेसीलीटर में वो कितनी होनी चाहिए, 40 से 60 के बीच में, 120 से 150 के बीच में, 70 से 100 के बीच में, 160 से 200 के बीच में। जल्दी से जल्दी जल्दी, देखो नीति कितना हंस रहे हैं, इनको बहुत हंसी आ रही है। हाँ, तुम्हारा एग्जाम नहीं, थोड़ा सा टेंशन ले लो। आशु अभी एग्जाम था ना, अब देखो सभी हंसने लगे, ये जितने हंस रहे हैं सबने रख रखा है, मनीषा और ये आशु, सबने भाई जितने हंस रहे हैं सबने, तुम्हारी हंसी के पीछे मुझे सब दिखाई दे रहा है। चलो नीलम पढ़ लो, आ जाइए ठीक है, तो देखिए बच्चों इस टाइम देखो अपने, आपकी मम्मी ने रखा होगा, आपके घर में रखा होगा सबने, तो आप उनका चेक करिए। अगर आपके पास है ब्लड शुगर चेक करने के लिए तो आप चेक करिए उनका कितना आना चाहिए। क्या बताया है, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, कितना होना चाहिए। तो देखो अगर ब्लड शुगर जो पूछा जा रहा है कि ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, ब्लड शुगर का मतलब है बच्चों कि उनका ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज कितना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने फास्ट पे है तो उनका ग्लूकोज कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या बताया है भाई। हाँ, अरे रुक जाओ पीयूष, वैसे भी तुम बहुत जीने वाले हो। ठीक है, अच्छे लोग जल्दी जाते हैं, बुरे लोग जल्दी नहीं जाते। तो अगर हम बात करें तो 70 से 100 के बीच में। ठीक है बच्चों, चेक करना, आपकी मम्मी जी जो भी है, आंटी चाची, सबका चेक करो कि भाई 70 से 100 के बीच में आना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, तो वो उनका बिल्कुल ठीक है, आइए नॉर्मल है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो बच्चे पढ़े हैं वो दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं। शरीर के थर्मोस्टेट को धारण करने वाली ग्रंथि कौन है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर के जो आपका विच ऑफ द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडीज थर्मोस्टेट, जल्दी से बताओ, फटाफट बता दो। चलिए वेरी गुड मनीषा, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर करो। यस बच्चे आप मेजर करिए अगर आपके पास है मशीन। एक बच्चा कह रहा पेट में भी आएगा मैम, अब क्या पेट में भी आएगा? अब मुझे इसका मतलब तो समझाओ कि तुम क्या तब से कह रहे हो पेट में भी आएगा मैम, पेट में भी आएगा मैम। अब मैं 3 बार ये कमेंट पढ़ चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछना चाह रहा, मैं क्या रिप्लाई करूं कि पेट में भी आएगा मैम, क्या मतलब है इस बात का? हाँ चलो नीलम क्या आंसर है? खुशी, चलिए क्या बताया भाई? हाँ जी सी होगा मैम। चलिए अब अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे क्या सही है, देखो कुछ बच्चे सी बता रहे हैं मुझे पता है, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। अब देखो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आई हूँ। हाइपोथैलेमस आपका यहाँ ठीक आंसर है, डी वाला ऑप्शन हाइपोथैलेमस यहाँ पे आपका ठीक आंसर है। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूं बच्चों, आपसे पूछ ले आपके बॉडी का थर्मामीटर, ठीक है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कौन कर रहा है, या आपके बॉडी को के थर्मोस्टेट हम किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना हर क्वेश्चन का एक ही आंसर है, वो क्या है? वो है आपका हाइपोथैलेमस। अब अगर हम थायराइड की बात करें, थायराइड का क्या काम है? अगर हम यहाँ पे बात करें कि थायराइड क्या है, थायराइड ग्लैंड मैम ये बच्चे सही क्यों बताते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है आपका क्या? हाइपोथैलेमस। थायराइड के लिए हमें यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहूंगी। देखो बच्चों अगर हम थायराइड की बात करें, ठीक है, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड अपने अंदर से निकालती है कुछ हार्मोन T3 और T4, ठीक है बच्चों। ये T3 और T4 बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन हमेशा आपके काम आएगा। ये किसे कंप्लीट कर अगर हम बात करें किससे जो है कंट्रोल करते हैं, तो आपके बॉडी को BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आप लिख सकते हैं, आपको लिखना है इसकी फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट। बच्चों ये क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बीएमआर को क्या करते हैं, कंट्रोल बढ़ाते हैं। मैं बात करूं तो एक काम कर सकते हैं कि कंट्रोल करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो बच्चों होगा क्या, ध्यान से सुनना। अब ये कहोगे कि मैम ये बीएमआर क्या होता है, अब कहोगे कि मैम ये अगर बीएमआर को कंट्रोल करते हैं, बीएमआर क्या है? बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे आपके बॉडी में ग्लूकोज है C6H12O6, बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है, यहाँ पे ऑक्सीजन आके टकराता है, टूट इनसे बाइंड होता है और इसे तोड़ता है किसमें, CO2 प्लस H2O और प्लस बच्चों आपकी एनर्जी ATP के फॉर्म में क्या बनेगी आपकी एनर्जी बोले तो हीट, ठीक है हीट। अब बच्चों हीट बन गई आपकी बॉडी में, एनर्जी बन गई। अब अगर आप मान लो आपने अचानक से ही क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारा आप जिम जाने लगे, ठीक है, बहुत सारा वर्कआउट करने लगे, तो वैसे में होता क्या बच्चों, ध्यान से सुनना, वैसे में आपकी जो आपकी बॉडी को ग्लूकोज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कहने का मतलब एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आप ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, आप रेस्ट नहीं दे रहे, आप वर्कआउट किए जा रहे हैं, तो उस टाइम आपके बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। और अगर हम बात करें कि बीएमआर क्या है बच्चों, बीएमआर यही है कि ये बताता है कि कितना ऑक्सीजन हमें देना है फॉर द मेकिंग एनर्जी बनाने के लिए, हम जो बॉडी को जो ग्लूकोज है जो सेल है उसे कितनी ऑक्सीजन देनी है। तो जब आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है तो ये क्या करता है, ये जो T3 है T4 है, ये बहुत ज्यादा बीएमआर बना देता है। बहुत ज्यादा जब बीएमआर हो जाएगा बच्चों तो एनर्जी बहुत ज्यादा बन जाएगी और इसी एनर्जी से क्या हो जाता है, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। तो जब ये बीएमआर ज्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी गर्म हो जाएगी, तो कौन बढ़ाया, तो बॉडी को अगर आपसे पूछ ले कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता कौन है, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर को बढ़ाया किसने, टेम्परेचर को बढ़ाया है बच्चों थायराइड ने। थायराइड ने जो थायराइड से T3 और T4 हार्मोन निकल रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब इसे बच्चों कंट्रोल कौन करेगा, तो जैसा आपने आंसर किया है कि जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करेगा, ये जो है बच्चों टेम्परेचर को कंट्रोल कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, कीट द्वारा परागित फूलों के परागण को कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है द पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट आर, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, बताइए कीट द्वारा परागित फूलों के परागण को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैसा होता है? चिकना, सूखा होता है, स्मूथ एंड ड्राई होता है, रफ एंड स्टिकी, किसी ना किसी क्या है रफ यानी जो है सूखा हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा खुरदुरा और चिपचिपा, मोटा और सूखा, या बच्चों बड़ा और दिखावटी, या क्या है शोभी, जो भी। बताइए क्या आंसर सही है, फटाफट बताइए। आपसे पॉलन ग्रेन पूछा जा रहा है। पॉलन ग्रेन आप सब जानते हैं बच्चों कि जो एंथर वाले पार्ट में, जो मेल फूलों में जो मेल पार्ट होता है, तो ये जो व्हाइट पाउडर होता है इसे ही क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, इसे ही पॉलन ग्रेन कहते हैं। किसके अंदर होता है? परागकोश। परागकोश यानी एंथर के अंदर ये पाया जाता है। एंथर के अंदर ये क्या पाया जाता है? एंथर के अंदर ये पाया जाता है। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कैसा होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इंसेक्ट जैसे ही फूलों पे बैठता है ये उनके पैर में चिपक जाते हैं। ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट एक फूल पर बैठेगा उसके पैरों में चिपक जाएगा और दूसरे फूल के फीमेल वाले पार्ट में जा लगेगा। तो इसका मतलब चिपक गया, बैठते ही चिपक गया, यानी कहीं ना कहीं वो क्या है? स्टिकी है, चिपचिपा है। तो भाई यही वाला ऑप्शन सही जाएगा, रफ और स्टिकी। बी ऑप्शन बताया है क्या? बी ऑप्शन बताया है क्या आपने? क्या बताया है? बी के साथ कोई बच्चा गया है? यस, बी बता रहे हैं सभी। यस, विनीता ने भी ए बताया है। विनीता पढ़ लो थोड़ा सा, ए आंसर कहाँ से आ जाएगा? हाँ, भांग खा के बैठे हो, चलो पढ़ाई में मन नहीं लगता। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खाद्यान्नों के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चों फूड ग्रेन होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए आप किस चीज का प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट, वेनेगर, सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम ऑफ परमैग्नेट। अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि ये क्या पूछा जा रहा है बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है खाद्य पदार्थों, यहाँ पता है किस चीज की बात हो रही है? जैसे आपको पता है कि मॉल वगैरह में आपको नॉनवेज भी मिलता है, तो जो वो मांस होता है, जो मीट होता है, या जो फ्रूट्स होते हैं, या जो केचप होता है, उन सबको बिल्कुल प्रॉपर, उस पर कोई जम्स आके ना लग जाए, ठीक है, उसे खराब ना कर दे, उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसमें बचा के रखने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। और मनीषा ने क्या डिलीट किया है? मनीषा कुछ गलत आंसर आया था क्या? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, क्या है? मनीषा ने ये बताया है, नीति ने सोडियम बेंजोएट, ओके, सोडियम क्लोराइड भी बताया है। चलिए देखो यूज किया जाता है, देखो सिरके को भी यूज कर लेते हैं। आपको पता है सिरके में बहुत सारी प्याज व्याज काट के डाल देते हैं, ठीक है, सब वो बचा रहता है ना। सोडियम नमक भी लगा के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि जनरली अगर हम बात करें बिल्कुल ठीक तरीके से हमें रखना है, तो उसे किस चीज में प्रिजर्व करके, वहां पे मांस मीट जो भी होता है उसे कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उस केस में आपका आंसर आएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसे सॉल्ट ऑफ बेंजोइक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्या है? आपका सोडियम बेंजोएट। जिन बच्चों ने आंसर किया है उन्हीं का ही ठीक है। यस, बिल्कुल ठीक है। और जल्दी से 100 लाइक करेंगे फटाफट भाई, 100 लाइक आ जाना चाहिए। 97 है, जल्दी से 100 पे पहुंचाओ इसे, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन देखना है तो 100 करो फटाफट जल्दी से। चले आशीष, उज्जवल, विजेंद्रा, सभी का आप ठीक है, अब सभी का ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी बात पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जंतुओं में एंजाइम प्रणाली नहीं होती है तो जो उन्हें से ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। आपसे कहा जा रहा है एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम व्हिच एनेबल देम टू मेक यूज द एनर्जी फ्रॉम। बताइए भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं उनमें कौन सा जो है कौन सा सिस्टम नहीं होता है, मतलब एंजाइम सिस्टम क्या होता है, नहीं होता है, तो वो किस चीज का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं? फैट का, वाटर का, या प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर करिए। चले भाई 100 लाइक बच्चों ने कंप्लीट किया है, वेरी गुड। आंसर करो भाई इस क्वेश्चन का जल्दी से, क्या आंसर आएगा? देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊं, ठीक है, यस सुनीता सही है इस बार, उसके बाद में मीना, मनीषा, नीति, सभी का सही। अगर हम इस क्वेश्चन को समझे बच्चों, एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस। अगर हम बात करें कि मैम ग्लूकोजेनेसिस क्या है, शॉर्ट में समझना इसका मतलब है ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण ठीक है। तो अगर हम बात करें एनिमल्स में, अब ग्लूकोज से ही आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से ही क्या बनेगा, फैट बनता है। तो अगर हम बात करें बच्चों कि जनरली वो किस चीज का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, तो आपको याद रखना है फैट का, ठीक है, फैट का। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या जाएगा, सही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्लोरोफिल को पहले पृथक किया गया, इनका नाम किसके द्वारा दिया गया। क्लोरोफिल आप सब जानते हैं, पेड़ पौधे हरे हैं, तुम्हारे तरह जो है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। बच्चों क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ये क्या है, एक वर्णक है, ठीक है, जो क्या करता है, या इसे हम हरित लवक कहते हैं, पेड़ पौधों को हरा हरा जो है हरित लवक, हरा रंग देता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसके बारे में किसने बताया, ठीक है, इसे अलग किया और बताया भाई क्लोरोफिल ऐसे ऐसे होता है, ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये सब बातें किसने कही, किसने बताया इन सब बातों को, ये आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से बताएंगे फटाफट। हेलो मनीष, हेलो, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है जीवन में, सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। क्या आंसर आएगा भाई फटाफट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो इस क्वेश्चन को याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है, डी आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कोबिटिस और आपका प्लेटियर आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ओके। चलिए मानव शरीर में प्रोस्टेट है, क्या है भाई, प्रोस्टेट इज अ ह्यूमन बॉडी, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कोई ऊतक है, कोई ग्लैंड है, ग्रंथि है, कोई मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, कोई मसल्स है, मांसपेशी है। जल्दी से भाई बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है प्रोस्टेट आपकी बॉडी में क्या है, बताएंगे प्रोस्टेट जो है ह्यूमन बॉडी में क्या है, जल्दी से भाई। हाँ जी, क्या आंसर आएगा, हाँ ओके 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 ओके। चलिए आंसर आना शुरू हुआ है। अब हम बात करें क्या सही है बच्चों, प्रोस्टेट क्या है, ये ग्लैंड है, ये क्या है, ग्लैंड है, ग्रंथि है। हम बात करें कि मैम ये किसमें पाया जाएगा, तो बच्चों ये महिलाओं में नहीं पाया जाएगा, ओनली पुरुषों में पाया जाएगा, ओनली मेल में पाया जाएगा, फीमेल्स में नहीं पाया जाएगा, ओनली मेल में पाया जाएगा, पुरुष में पाया जाएगा। और ये क्या करता है बच्चों, तो जो स्पर्म है, ठीक है, जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है बच्चों, शुक्राणु है, उसको क्या करता है, उसको बच्चों लिक्विड, उसमें जो है लिक्विड डालता है ना, उसमें उसको थोड़ा सा चिपचिपा बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो जाके पॉइंट टू अटैक करे और सीधा स्ट्रेट वे में जाए, तो उसे क्या देता है, चिकनाहट देता है, चिपचिपा बनाता है, जिसे हम सीवन भी कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका सही आंसर क्या है, ग्लैंड। किसमें पाया जाएगा, ये ओनली मेल में पाया जाता है। और अगर हम बात करें मैम इसकी जगह फीमेल में क्या पाया जाता है, ओवेरी, जिसकी जगह फीमेल में अंडाशय पाया जाता है, ठीक है, अंडाशय। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, आपसे पूछा जा रहा है चाय की पत्तियों के प्रसंस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा यहाँ पर जो है आंसर है, बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, नहीं है भाई, नॉट अ नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग टी लीव्स। आपसे पूछा जा रहा है चाय की जो चाय की पत्ती है, जो टी लीव्स है, उसे बनाने में कौन सा एक प्रोसेस है जो नहीं किया जाता है। चाय की पत्ती बनाने में बहुत लोग टी लवर होंगे, है ना, गर्मियों में कम, अब सर्दियों में तो हर 2 मिनट में चाय चाहिए। तो जो चाय की पत्ती है वो बनाने में क्या यूज नहीं किया जाता है, कौन सी प्रोसेस, रोलिंग, ड्राइंग, फर्मेंटेशन या आपका विदरिंग, बताइए क्या नहीं किया जाता है, जल्दी से बताइए क्या नहीं किया जाएगा, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल सही बात है, यस यस बच्चों, फर्मेंटेशन नहीं किया जाएगा, यहाँ पर फर्मेंटेशन नहीं किया जाएगा। फर्मेंटेशन बोले तो किण्वन की प्रक्रिया यहाँ नहीं की जाएगी। किण्वन की प्रक्रिया तो भारी कामों में की जाती है। भारी काम अगर हम बात करें तो एल्कोहल बनाने में, ठीक है, जो एल्कोहल बनाया जाता है बच्चों, वहां पे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है निकाली जाती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम ग्लूकोज को रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है कि फर्मेंटेशन जो है चाय की पत्ती बनाने में नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये किस लिए किया जाएगा तो याद रखना, एल्कोहल बनाने में फर्मेंटेशन का प्रोसेस लिया जाता है। डन मामला, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे चले, हाँ बहुत अच्छा, यस यस यस। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब देखो एक क्वेश्चन फिजिक्स से आ गया, इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम प्रैक्टिस करा दो। प्रैक्टिस ऐप में प्रैक्टिस करने का मजा नहीं है। यूट्यूब पे दुनिया भर के बच्चे आते हैं, पढ़ने वाले भी आते हैं और कई ऐसे भी आते हैं। खैर रेगुलर क्लास चलती है तो सारे पढ़ने वाले ही आते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों तो आपसे यहाँ एक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई ध्वनि स्रोत है जिसके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 600 हर्ट्ज है, ठीक है, और वहां पर आपके पास जो है तरंगे भेजता है या 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करती है, यानी वेवलेंथ लैम्डा कितना है भाई, लैम्डा है आपकी 3 मीटर, और यहाँ पे आपको स्पीड निकालना है। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से क्या आंसर सही आएगा। अजय कुमार का आंसर आया है, चलिए कोई परेशानी नहीं है, बहुत ठीक। अब देखो मैम क्लास रेगुलर होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल, क्लास को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, 5 बजे 3-4 साल से आ रहे हैं, 3-4 साल से आते रहेंगे, तो 5 बजे क्लास को कोई नहीं रोक सकता। सभी जो है बच्चे क्या करेंगे, 5 बजे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। सर्दी हो, खांसी हो, जो भी हो आना है, ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। कह रहे पढ़ने वाला कमेंट कभी नहीं करता अच्छा जी, चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या आंसर सही है तो देखो बच्चों, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कहोगे मैम क्यों, बच्चा यहाँ भी 1800, यहाँ भी 1800, यहाँ भी 1800, यहाँ भी 1800, इसका मतलब आंसर 1800 ही आ रहा है। हमें पता होनी चाहिए यूनिट, यूनिट किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी की यूनिट दुनिया जानती है कि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो जहां पे मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1 लिखा हो वही आपका सही आंसर है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। फिर भी मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, अगर मान लो ऑप्शन ठीक नहीं आया तो आप कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो, स्पीड का फॉर्मूला जो है, जो आपके स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा की वैल्यू है 3, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 600, ठीक है, आ गया 1800 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डन मामला, खत्म बात, ए ऑप्शन। चलिए आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का आविष्कार किसने किया था। देखो ए बी ओ, जो ए बी ओ, ठीक है, और जो ए बी है बच्चों इसे किसी और ने खोजा था, ठीक है, विनर करके कुछ उनका नाम था, विनर करके कुछ नाम था, उन्होंने खोजा था। पर ए बी ओ किसने खोजा था ये आपसे पूछा जा रहा है। ए बी ओ सिस्टम आपका जो ब्लड ग्रुप है, ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज, उसका आविष्कार किसने किया ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से हाँ जी, क्या आंसर आएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना। आपसे 5 बजे डेली है आना, ओके। जो सुनील कुमार ने बनाया है, लिखना था, नहीं चलेगा आप कोई बहाना, डेली 5 बजे है, केडी लाइव पर आना, यस चलो तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या आंसर सही है तो कार्ल लैंडस्टाइनर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। इन्होंने ही आपका एबीओ सिस्टम में, अगर हम बात करें तो बच्चों 1900 में अगर ये खोजा होगा तो समझ लो जवानी में इन्होंने खोजा, तो बुढ़ापे में यानी 1940 में इन्हें क्या मिला बच्चों, नोबेल प्राइज, ठीक है, क्या मिला था। तो बताओ ये कोई बात है, हाँ, जब अरमान खत्म हो जाए। फिर भी बच्चों इन्होंने, आपको याद रखना है, फिर भी इन्होंने ये बैठे नहीं, जैसे ही इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1940 में, इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने फिर से एक आरएच फैक्टर की खोज कर दी थी, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसे लोग भी हैं, है ना। और तुम यहाँ एक काम करते हो, निकम्मे बैठ जाते हो, कितना काम किया। चलिए आ जाइए ओके, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, देखो विनीता ए है, बी है, ठीक है, ओ है, ए बी है, ओके। अब इसी में आपका आगे चल के जब एच आर फैक्टर यहाँ पे जुड़ता है तो ए प्लस बी प्लस ए नेगेटिव बी नेगेटिव इस तरीके से आपका ब्लड ग्रुप होता है। ठीक, चलिए आ जाओ। और तुम्हारा जितने भी यहाँ पे है मैं कह सकती हूँ किसी का पॉजिटिव नहीं होगा, तुम इतने नहीं कम हो, सबका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में आ रहा होगा, है पॉजिटिव तुम हो ही नहीं सकते कभी। ठीक है, बिल्कुल अजय कुमार, जल्दी जल्दी क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? यूनिट ऑफ थ्रस्ट। बच्चों देखो थ्रस्ट क्या है ना, अगर हम बात करें एक तरीके का थ्रस्ट जो है बच्चों, एक तरीके का क्या है ये, एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, थ्रस्ट जो है यहाँ पे एक तरीके का फोर्स है। अगर हम बात करें मैम कैसा फोर्स है, तो जैसे बच्चों कील, कील अंदर दीवार में डालनी है, कील आपको पता है कील इस तरीके से जाके और पीछे क्या हो जाती है, ऐसे पैनी सी हो जाती है थोड़ी। ठीक है, कील लग रही है ना कहीं से, थोड़ी सी तो लगी रही होगी। तो बच्चों आपको पता है कि कील जो है आगे से जाके बिल्कुल बारीक बिल्कुल पतली क्यों हो जाती है, ताकि उस पर जब एरिया कम हो जाएगा तो वहां पर जो फोर्स हम डालेंगे वो ज्यादा लगेगा, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। और यहाँ पर इस हिसाब से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, अरे भाई तुम जो भी है ठीक है आ जाओ। तुम फोटो में मत जाकर भावनाओं को समझो, मैम समझाना क्या चाह रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तत्व, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, तीन आपके पास क्या है, आपके तत्व है। और पूछा जा रहा है इनके एटॉमिक साइज पे इनको सही क्रम में लगाओ। इनके जो है आपसे पूछा जा रहा है एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स ओ एस यानी ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम को आप ठीक लगाइए। बताइए भाई किसका एटॉमिक नंबर आपका ज्यादा है, किसका कम है, ऐसे आपको सीरीज में लगाना है। जल्दी 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 अभिषेक पढ़ लो, पिटाई हो जाएगी। आदित्य जी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नीति ने कहा है ए, ठीक है। देखो सेलेनियम की अगर हम बात करें बच्चों तो सेलेनियम कितने नंबर पे आएगा, 34। उसके बाद में आपका सल्फर आएगा 16 पे, ऑक्सीजन आपका कितने पे, 8 पे, है ना। इसमें कितना हो जाएगा 2, 8, 18, आपका कितना हो जाएगा 20 और 8 28 और फिर इधर कितना जाएगा आपका 10। ठीक है, कितना जाएगा भाई देखना, मैंने सही लिखा है क्या, अब सही है देख लेना। इसका कितना आएगा 2, 8, 10 और 6, 16 और 2 और 6, 8, है ना। तो इसमें कितनी शेल है अगर हम बात करें तो मैम इसमें 4 शेल है। इसमें कितनी शेल है मैम, 3 शेल है। इसमें कितनी शेल है मैम, 2 शेल है। तो अगर साइज की बात करें बच्चों सबसे ज्यादा यही जिसके पास 4 है, तो सेलेनियम सबसे ज्यादा, सेलेनियम फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए जिन बच्चों ने बताया है वो जहां खड़े वहीं खड़े होकर ताली बजाएंगे, ठीक है, बस वो लाइब्रेरी में खड़े नहीं हो। चलिए वेरी गुड अमित, बेस्ट ऑफ लक, आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नारियल की भूसी किस प्रकार के ऊतक से बनी है। ठीक है, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से, फटाफट बताएंगे एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या ठीक आएगा जल्दी से, यस। कह रहे मैम मेट्रो में अरे भाई फिर तो बिल्कुल नहीं खड़े होना है ना। चलिए कहीं ताली बजा लो, कहीं वहां आके पैसे वैसे और पकड़ा के जाए, बिल्कुल नहीं करना है। आ जाए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या आंसर सही है, तो बच्चों जो टिश्यू जो बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है, वो किससे मिलके बना है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है, टिश्यू वाला चैप्टर पूरा ही पढ़ा रखा है आपका, प्लांट टिश्यू, वो आप जरूर पढ़िए। ये बताइए आपसे साउंड के बारे में पूछा जा रहा है कि जो साउंड है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में विभिन्न माध्यमों में जो आपकी साउंड है उसके लिए सत्य है। पहली बात यहाँ मैम 25 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपको याद रखना है स्पीड ऑफ द साउंड, जो साउंड की स्पीड और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, आपको याद रखना है। ओके, अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पूछा जा रहा है किसमें जो है ज्यादा है, एल्यूमिनियम में कितनी है आपकी 64 20 मीटर पर सेकंड और इसमें कह रहा है 64 और इसमें 62 40 मीटर पर सेकंड। कितने, कौन सा सही जाएगा जल्दी से बताएंगे, कौन सा सही जाएगा जल्दी से बताएंगे, कौन सा ऑप्शन गलत है जल्दी जल्दी। क्या आंसर सही आएगा जल्दी से बताएंगे। यस, इतना टाइम नहीं लगाना भाई, ना इतना टाइम है और ना इतना लगाना है तुम्हें। तो आपको याद रखना बच्चों कि एल्यूमिनियम के बारे में तो सही बताया है, पर यहाँ जो इसने निकल के बारे में बताया है यहाँ आना चाहिए आपका 60 40। ठीक है, ये आपकी स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड इन निकल। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो आपको कहना है कि ओनली ए इज ट्रू। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जाएगा, ओनली ए इज ट्रू। ठीक है बात, चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट बढ़ेंगे। जंतुओं के किस संघ को चपटाक्रमी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ व्हिच फाइलम ऑफ द एनिमल्स इज आल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। ठीक है, फ्लैटवर्म अगर हम बात करें, आपको ये क्वेश्चन कैसे याद रखना है हमेशा के लिए, पूरी जो है लाइफ आपको ये क्वेश्चन कैसे याद करना है। ठीक है, अच्छा ठीक है आदित्य जी। तो देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे याद रखना है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात बताओ, यहाँ फ्लैट, फ्लैट के बारे में बोला गया है, फ्लैट होगा मतलब बिल्कुल चपटा होगा। और अगर हम बात करें घर में बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल जो है फ्लैट क्या है, तो कहोगे मैम जो घर में प्लेट होती है जिसमें हम खाना खाते हैं वो बिल्कुल फ्लैट है। तो फ्लैट से याद रखना प्लेट, और प्लेट से आपको याद रखना प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, डी ऑप्शन सही जाएगा कि जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं, यहाँ के जो जीव जो इस फाइलम में रखे हैं वो बिल्कुल चपटे होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे याद, कैसे रिलेट करोगे, फ्लैट, फ्लैट घर में है प्लेट, और प्लेट से याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थिस। खत्म क्वेश्चन, याद रखेंगे डी ऑप्शन, याद रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस ऑप्शन में, डन मामला। यस यस यस, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े फटाफट, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्या, हाँ जी, मैम मेरा राइट है, मेरे को चॉकलेट मिलेगी क्या? चॉकलेट मिल सकती है आपको, पर कब, जब आप केडी लाइव में आएंगे और सिलेक्शन के साथ आएंगे। ठीक है, बिना सिलेक्शन के तो क्या चॉकलेट मिलेगा, एक क्वेश्चन करने पे ऐसे चॉकलेट नहीं देते भाई, पहले सिलेक्शन लेके आओ, चॉकलेट का डब्बा मिठाई का तो पूरा देंगे तुम्हें। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जरा, हाइपोग्लाइसेमिया शब्द संबंधित है, द टर्म हाइपोग्लाइसेमिया इज रिलेटेड टू लो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, किडनी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर। बताओ भाई अगर किसी को हाइपरग्लाइसेमिया है, हाइपो है, सॉरी हाइपो है, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है बच्चों हाइपो और दूसरा शब्द है बच्चों हाइपर, दोनों ध्यान से सुन लेंगे। हाइपो का मतलब होता है बच्चों जब बॉडी में किसी चीज की कम, कोई चीज बहुत कम हो, ठीक, और हाइपर का मतलब होता है जब बॉडी में कोई चीज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, हाइपो का मतलब चीजें कम है, हाइपर का मतलब चीजें ज्यादा है, तो हाइपो का मतलब कम। अब हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपो का मतलब हो गया कम और ग्लाइसेमिया का मतलब हो गया ग्लूकोज। ठीक है, तो जिसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है उसका ब्लड शुगर क्या है, क्योंकि ब्लड, ग्लूकोज इज अ ब्लड शुगर, हमारी रक्त वाली जो शर्करा है वो क्या है, वो ग्लूकोज ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर आएगा लो ब्लड शुगर, ए इज द राइट आंसर। यस यस यस, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल ठीक है। विनीता बी कहाँ से आएगा, ए आएगा आंसर। बहुत गलत गलत आंसर कर रहे हो। हाँ, जैसे कहते हैं ना हाइपर क्यों हो रहे हो, बिल्कुल हाइपर क्यों हो रहे हो बोलते हैं, तो इसका मतलब हाइपर का मतलब गुस्सा इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो। ठीक, और कभी अगर कोई गुस्सा ना करे, बहुत कूल है, तो उसको बोल दो तू तो हाइपो है ना। चलो ठीक है, डन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हाइपो ब्लड शुगर, हाई, अगर यहाँ होता हाई ब्लड शुगर, तो हाई ब्लड शुगर बच्चों जब कहते हैं जब आपका होता हाइपरग्लाइसेमिया, और हाइपरग्लाइसेमिया को याद रखना इसे ही डायबिटीज कहा जाता है, जो शुगर हो जाता है लोगों को, मधुमेह। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द इक्वेशन इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। ठीक है, वी और टी में कौन सा रिलेट कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद करना है, तो ऐसे याद करो। पहली बात तो जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, ये तीन ही है। न्यूटन ने अपनी तीन इक्वेशन दी थी, पहली है b बराबर u प्लस at, दूसरी है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS तीनों इक्वेशन लिख दी। हाँ जी मैम। अब बच्चों पता है ये कैसे रिलेशन आपको देखना है, इसमें ध्यान से देखो, हंसी मजाक बाद में करना, कमेंट में ध्यान 2 मिनट बाद देना। देखो इसमें अगर हम बात करें कि मैम हम रिलेशन कैसे देखेंगे, बच्चों कुछ नहीं करना, पहले वाला देख लो लास्ट वाला देख लो। इसका मतलब पहले वाली है वेलोसिटी, ठीक है, और लास्ट है टाइम, यानी पहली वाली इक्वेशन किसमें रिलेट कर रही है, वेलोसिटी और टाइम में। दूसरा है एस और टी, पहला देखना है लास्ट। एस रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, यानी दूसरे वाली जो इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशन। तीसरे इक्वेशन में देखना है कि पहला क्या लिखा हुआ है, पहला बच्चों आपका आपकी वेलोसिटी और लास्ट है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये जो है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या कर रही है, रिलेशन दिखा रही है। क्वेश्चन किसके बीच में पूछा गया है, वेलोसिटी और टाइम, तो ये रही वेलोसिटी, ये रहा टाइम, तो यानी फर्स्ट ये रहा, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। v बराबर कहा गया b बराबर u प्लस 80, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। सी कितने बच्चों ने बताया है, सी कितने बच्चों ने बताया है, यस बिल्कुल ठीक है, सभी ने सी बताया है, सी बिल्कुल ठीक है। और भी क्वेश्चन है, चलो स्तनधारियों में डैश होता है, बताओ भाई मैमल्स, मैमल्स कौन है, हम मैमल्स हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गया, बंदर हो गए, ये सब क्या है बच्चों, ये सब मैमल्स हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जिसके स्किन पे हेयर होते हैं, यही सब क्या है, जो ये सब आपको पता है क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो कह रहा है कि मैमल्स होते हैं, क्या होते हैं, बालों के साथ ग्रंथियों की त्वचा, बिल्कुल सही है, मैंने भी बताया कि स्किन पे हेयर होते हैं, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे बैठ जाएगा, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है, बात डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, ओके क्लियर मामला। और क्वेश्चन है क्या, लेट मी चेक, हाँ और क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करो, गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। जो वेल्डिंग की जाती है, जो वेल्डिंग की जाती है गैस वेल्डिंग, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। एलपीजी, एथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन, किसका प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में, किसका प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में, किसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों देखो वेल्डिंग में आपको हमेशा याद रखना है एसिटिलीन, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है किसमें, वेल्डिंग में, लेकिन याद रखना एसिटिलीन C2H2, ठीक है। और बच्चों हमेशा याद रखना एसिटिलीन कभी अकेला जो है वेल्डिंग नहीं कर सकता, प्लस ऑक्सीजन यहाँ लेते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं ऑक्सी एसिटिलीन, इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन, आपको ये याद रखनी है बातें। तो कभी भी वेल्डिंग पूछे वेल्डिंग किससे की जाती है, ऑक्सी एसिटिलीन, तो यहाँ ऑप्शन आपका सही जाएगा एसिटिलीन, ठीक, डन डना डन डन। चलिए चलो आंसर सही बताने लगे हो तुम लोग, अभी मुझे नहीं पता कि तुम नकल करके बताते हो, चीटिंग करके बताते हो, चलो अगर सही बताते हो आंसर, अगर तुम्हें प्रूफ करना चाहते हो तो मुझे लगता है यहाँ 150 लाइक आ जाना चाहिए, है ना, इच्छा बढ़ गई मेरी बिल्कुल ठीक है, तो जल्दी 150 लाइक आ जाना चाहिए भाई। और क्वेश्चन है, मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं है, ठीक। चलिए भाई, तो ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, आज क्वेश्चन कम थे क्योंकि आज मैं थोड़ी सी बिजी थी, आपको पता है मैं लेट आई हूँ। अच्छा अब मैं पहले बता दूं कि भाई रोज 5 बजे क्लास चल रही है और रोज हम 40 से 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रोज यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। मैम किस टाइम, तो भाई 5 बजे रोज यहाँ पे आपको 5 PM आना है, ठीक, 5 PM यही KD लाइव, ऑलवेज फेवरेट KD लाइव पे आपको क्या करना है, 5 बजे आना है, शिल्पी मैम के साथ जुड़ना है और बहुत सारे क्वेश्चंस करना है और अपना लेवल चेक करना है और कम से कम 150 लाइक करके जाना है, ओके। कसम से मैम, क्या कसम से, हाँ क्या कसम से, ठीक है, सुनील कुमार ने बहुत दिमाग लगा के कुछ हाँ अपना आंसर दिया है, चलिए ठीक है। मैम मैं न्यू हूँ, ओके ठीक है, आप न्यू हैं तो आप रोज आइए, रोज आएंगे हो जाएंगे ओल्ड और बन जाएंगे गोल्ड। चले अरे ठीक है ना, 1-2 दिन हो जाता है, जीवन में कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, हाँ ठीक है आशु, पर याद रखना 5 बजे, 1-2 दिन नहीं हुई तो नहीं हुई क्लास, वैसे 5 बजे हो ही जाती है, तुम्हें भी पता है। चलो विनीता ने कह दिया ओके मैम, चलिए ठीक है विनीता। ओके चलो हाँ जी बाय विनीता। चले योगेश जी बाय। चलो भाई तो 150 लाइक करके ही जाएंगे सारे। चले बाय नीति। सभी जो है 150 150 लाइक करके जाना ठीक है। हाँ सुनील कुमार ठीक है। सत्या आप रोज आइए 5 बजे क्लास होती है। जितने बच्चे आएंगे यहाँ पे रोज उन सभी को धीरे धीरे पता चल जाएगा क्लास रोज यहाँ 5 बजे ही होती है। चलो भाई तो बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच बच्चों।